कबड्डी 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 आपको एक सच बात बोलनी है सर, श्रुति को मारने में मैं बस एक मोहरा हूँ सर। मेन प्लान, ब्रेन, एग्जीक्यूशन, ये सब कुछ किसी और ने किया है सर। कबड्डी 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 रुक नहीं आ जा कबड्डी 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 सर ये झूठ बोल रहा है सर, फिर से कोई प्लान बना रहा है। आपको ये झूठ लग रहा होगा लेकिन यही सच है। मेरे रिमांड की लास्ट डेट है इसलिए एल्बर्ट ने मुझे मारने का ठान लिया है आज ही और इधर ही। ड्राइवर यू टर्न लो, ठीक है जल्दी जेल की तरफ चलो, फास्ट फास्ट। मुझे आप पर भरोसा है सर, अगर आज मैं मर जाऊँ या बचकर भाग भी जाऊँ तो उसके बाद मुझे आपसे मिलने का मौका कभी नहीं मिलेगा। लेकिन एल्बर्ट को सजा मिलनी ही चाहिए सर। गुड बाय। कबड्डी 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 मैंने पहले ही कहा था उसे, मेरी बात नहीं सुनी। ये! 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 कबड्डी खेलते समय जैसे मेरा भाई मर गया वैसे ही इसे भी तड़पा तड़पा कर मारूंगा मैं। कबड्डी 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 कबड्डी। हे भगवान। हेलो हेलो पुलिस कंट्रोल रूम, प्लीज सेव मी, मैं खतरे में हूँ, ये मुझे मार देगा, प्लीज मुझे बचा लीजिए। हेलो 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 पुलिस कंट्रोल रूम, हेलो बोट नंबर 132 पे जल्दी जाओ, बोट पूरा चेक करो, जल्दी जल्दी जाओ, बोट पूरा चेक करो। ओके सर। सभी जगह ठीक से देखना, वहाँ पर कोई है क्या, वहाँ कोई देख रहा है क्या? नहीं सर। ठीक है बाहर भी देखो। ओके सर। सर 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 सर, सर यहाँ पर एक गन है सर। ठीक है उसे छोड़ा मत, फिंगरप्रिंट के लिए काम आएगा, जिससे हमें कुछ सुराग मिल सकता है उसे फौरन फॉरेंसिक लैब के लिए भेजो। डोंट मिस एनी एविडेंस। पानी के अंदर चेक करो, अपनी छानबीन अच्छे से करो। पानी में कुछ नहीं है सर। सर्च अगेन। सस्पेक्ट भाग रहा है, सस्पेक्ट वेस्टर्न साइड फॉरेस्ट की तरफ भाग रहा है, कैच हिम, गो 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 गो। Catch him! Catch him! Catch him!
सर। डोंट लीव हिम। पकड़ो उसे। कहीं से? वो उस तरफ जा रहा है। भाग रहा है वो। उसे चारों ओर से घेर लो। हाथ से निकलना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ रुक जाओ। रुक जाओ। रुक जाओ। सर, सस्पेक्ट मिल गया है। कंपनीज के चेयरमैन मल्टी मिलियनेयर बल्लारी जगन्नाथ की बेटी श्रुति को गोवा बीच पर शूट करके भागने वाले उनके पति सत्या को हैदराबाद की पुलिस आज नामपली कोर्ट में हाजिर कर रही है। तीन दिनों से भारी बारिश हो रही है, उसकी फिक्र किए बिना श्रुति को न्याय दिलवाने के लिए हजारों महिलाएं आगे आई हैं। पुलिस का कहना है कि उसकी बीवी श्रुति को उसके पति ने ही मारा है, लेकिन सच क्या है ये तो अदालत में ही मालूम चलेगा। इस केस की सारी सच्चाई जानने के लिए हमें थोड़ी देर और इंतजार करना होगा। उसने शादी के दूसरे दिन ही अपनी बीवी की हत्या कर दी, इसके लिए उसे फांसी ही देनी चाहिए। और इसके लिए देश के कई महिला संगठन आगे आ रहे हैं। उन्होंने कोर्ट के सामने धरना देकर अपना विरोध प्रकट किया है। सत्या प्लान बनाकर श्रुति को गोवा ले गया और टॉर्चर करके उसकी हत्या कर दी। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। शादी के दूसरे दिन ही सत्या ने अपनी बीवी को मार दिया। समाज में ऐसी घटना दोबारा न घटे, इसके लिए सत्या को फांसी देनी चाहिए। शहर की सारी महिला संगठन सत्या के लिए फांसी की मांग कर रही है। इसने मेरी बेटी को मारा, इसे फांसी दीजिए सर। इसी ने मेरी फ्रेंड को मारा है। आरोपी सत्या ने ही अपनी बीवी का कत्ल किया है, ऐसा सबूत अभी कोर्ट को नहीं मिल पाया है। ये अदालत पुलिस विभाग को आदेश देती है कि वो सारे सबूत जुटाए। तब तक आरोपी सत्या 14 दिनों तक पुलिस के रिमांड में रहेगा। ए, रुको, दुबई में बहुत ज्यादा मात्रा में धूप है, यहाँ देखो तो बारिश हो रही है। मुझे आइसक्रीम खिलाओ। आइसक्रीम? ये क्या कह रहा है तू? ये कैसी बातें कर रहा है सर? कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? नमक और कपूर देखने में एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उनका जो स्वाद होता है वो अलग अलग होता है। पुरुषों में भी पुण्य करने वाले पुरुष अलग होते हैं, जैसे युग पुरुष राम और महाभारत के भीम। अरे क्यों मारा तुमने उसे? मेरे मना करने के बाद भी उसने तुमसे प्यार करके शादी कर ली थी। अगर तुम्हें पैसा चाहिए था तो मुझसे कहते, मैं तुम्हें पैसा देता। सिर्फ एक बार तुम कह दो कि मेरी बेटी जिंदा है। बोलो बोलो। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं छोड़ूंगा। हेलो सत्या, टेल मी, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। शादी के दूसरे दिन ही अपनी बीवी को क्यों मारा? आखिर गोवा में हुआ क्या था? चिट्टी कहाँ हो? यहाँ हो। सत्या, सत्या प्लीज, सत्या तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें जान से मारना है। ए, छोड़ो मुझे। अरे कहाँ जाओगी तुम? लाइट क्यों बंद कर दी तुमने? कोई है? मैं हूँ ना। ए, कहाँ भाग रही हो? मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊं। प्यारी मैना, माँ ने मारा क्या? कहाँ जा रही हो? ए, श्रुति संभल के, डरो मत। कहाँ गई? फल लाने गई हो? मैं आ रहा हूँ। डैडी प्लीज पिक अप द फोन। डैडी, फल कहाँ रखा है? द नंबर यू आर कॉलिंग इज नॉट रीचेबल। गोइंग टू डाउन। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। हेलो, कौन बात कर रहा है? हेलो, बोलिए मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही। कहाँ छुपी हो? मैडम आप क्या बोल रही हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैडम अच्छा फल खा भी लिया। हेलो मैडम, आप मुझे सुन पा रही हो? सॉरी बेबी,
See you in next life. हाँ, एक मिनट, मैं आपको फिर गुड मॉर्निंग सर। हे हैदर, तुम यहाँ कैसे? गोवा बीच मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रकाश सर का असिस्टेंट हूँ सर। यू मीन प्रकाश वर्मा? यस सर। इंश्योरेंस करवा लेना और अपनी सारी जायदाद अपने परिवार के नाम पे कर देना। कर दूंगा सर। तुरंत लीव मांगो, नहीं तो रिजाइन कर देना। जिसे जान प्यारी नहीं वही उसके साथ काम करता है, ये तुम्हें पता नहीं क्या? नाम गंडी पेट शिवा है क्या? हाँ हूँ, तो क्या हुआ? उसने डॉक्टर बनने वाले 3 मेडिकल स्टूडेंट्स को उन्हीं के कैंपस में मार दिया है। छोड़ दीजिए सर। करीम नगर से ट्रांसफर किया तो कड़प्पा में पोस्टिंग हो गया। उसके साइकिक बिहेवियर की वजह से उसका कई बार ट्रांसफर हो चुका है। अगर उसका मूड खराब हो गया तो सीधे पॉइंट ब्लैंक में गन रखकर शुरू कर देगा। यूनिफॉर्म है इसलिए उसे ACP कहते हैं, नहीं तो उसे साइको कहते। तो जिंदा रहेगा तो ऊपर आएगा, उसके साथ काम करेगा तो सीधा ऊपर, बाकी तेरी मर्जी। अब समझा, जब मैं साइन कर रहा था तो मुझे देखकर सब हंस क्यों रहे थे? इस चश्मे में तो जेंटलमैन लग रहा है, इसे एक साइको कौन कहेगा? हैदर सर, यही है ना तेरा नाम? यस सर। अगर आपको पसंद नहीं तो बदल दूंगा सर। मुझे पसंद आना जरूरी नहीं है, तुझे जो अच्छा लगता है वो रख। अगर मूड खराब हो गया तो सीधा पॉइंट ब्लैंक में गन रखकर शूट करेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। कितना भी साइको क्यों ना हो, लेकिन खबर देने वाले आदमी को तो कोई नहीं मारता, बता ही देता हूँ सर। वो लड़की बहुत डर रही है। ऐसा क्यों? वेटिंग हॉल में वेट करने को बोला फिर भी नहीं आई, इन्वेस्टिगेशन का नाम सुनते ही डर कर स्टोर रूम में भाग गई वो। ये क्या? ये तो केस शुरू होने से पहले ही व्हीलचेयर में बैठ गए। केस खत्म होने तक तो ये मुझे ही फिनिश कर देंगे। गौतमी, गौतमी रामकृष्णा, घर की इकलौती बेटी हो, लड़कों जैसी पली बड़ी हो, तो फिर पुलिस इतना डरती क्यों? हम लोग खूनी है क्या तुम्हारे उस सत्या के जैसे? इतना डर क्यों रही हो? कहें उसके मर्डर में तुमने कुछ मदद तो नहीं की? सर। ए, क्या हुआ? इतना शौक क्यों हो रही हो? तुम्हारी फ्रेंड श्रुति, मैंने सुना है कि उस साइको के प्रेम में पड़ के शादी कर ली। व्हाट? छे, सब उसे ही गलत समझ रहे हैं। मगर सर, जो आपने सुना है वो सब गलत है। मेरे सामने ऐसा होगा मैंने सोचा भी नहीं था। उसे बचाने के लिए मैंने कितना ट्राई किया पता है आपको? क्या हुआ था उसे? 6 महीने पहले हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में हाउस सर्जन का कोर्स करते समय श्रुति से मेरी मुलाकात हुई थी। हॉस्टल में भी वो मेरी ही रूममेट थी। कुछ ही दिनों में हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन मैंने और श्रुति ने 10K रन में पार्टिसिपेट किया था। उस दिन पहली बार उसकी लाइफ में वो एंटर हुआ। वुमेन्स डे के दिन हमें ये प्रोग्राम कंडक्ट करते हुए बहुत खुशी हो रही है, और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। रुको, तुम इस तरफ से नहीं जा सकते। यहाँ 10K रन चल रहा है, रूट डाइवर्ट किया गया है, वहां से जाओ। इन लड़कियों को भी कोई काम धंधा नहीं है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे कौन है ये? ये कौन सा परफ्यूम है जो मुझे खींचे जा रहा है? तुम हेलो, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तुम वाइजाग की हो ना? कन्या राशि उत्तरा नक्षत्र करेक्ट है ना? ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा नाम S से स्टार्ट होता है ना? हाँ?
अरे हो गया हो गया हो गया, अब क्या करूं क्या करूं मैं क्या करूं, अब तो मैं गया काम से। हेलो गॉड, उसने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। किसने कहा था, तुम क्या कर रहे हो? देखो मेरा डेस्टिनी ज्योतिष पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे उसने कहा कि फलाना लड़की ऐसी ऐसी आके मुझसे मिलेगी और मैं भागा भागा उसके पीछे आऊंगा और मुझे उसके साथ कुछ कुछ हो जाएगा। अब तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। ए, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ ये भी वो कह रहा था। और क्या कहा था? और क्या क्या कह रहा था, हाँ ये मुझे लव प्रपोज करने वाली है, फिर शादी का प्रपोज करेगी, हम दोनों को ट्विंस बच्चे पैदा होंगे और उन दोनों का नाम भी आमिर खान और शाहरुख खान होगा। ए, तू गलत सोच रहा है, तू चल। हेलो मैडम, उसने दूसरा ऑप्शन भी दिया है, उसने कहा कि रणवीर कपूर और अर्जुन कपूर जैसे भी पैदा हो सकते हैं। तूने अर्जुन कपूर का नाम लिया ना, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आए। हाँ इसी तरह गुस्से में रहो, डेस्टिनी गई भाड़ में, हमें फॉलो मत करो, कल इवनिंग में बाहर मत निकलना, प्लीज बिल्कुल मत निकलना। पर क्यों? क्योंकि कल इवनिंग 7 o'clock में हम फिर से मिलने वाले हैं, अगर ऐसे ही मिलते रहे तो कभी अलग नहीं होंगे, इसलिए कह रहा हूँ 7 o'clock को बाहर मत निकलना, और ये मेरा दिल कह रहा है, ये डेस्टिनी है, प्लीज तुम बाहर मत निकलना, प्लीज मैं सच कह रहा हूँ। उस दिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, अगले दिन मैं और श्रुति अपने फ्रेंड की शादी में गए थे। टाइम क्या हुआ है? 6:15। टाइम क्या हुआ है? 6:30। टाइम कितना हुआ? ए, टाइम पूछ पूछ कर मेरा दिमाग क्यों खा रही है? चलना यहाँ से चलते हैं, वरना वो पागल यहाँ पर भी आ जाएगा। वो यहाँ कैसे आएगा? मेरा टाइम खराब है ना, अगर वो यहाँ पर भी आ गया तो उसकी बातों पर भरोसा करके मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी, इसी बात का डर है। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्यों डर रही है? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। What? तूने सही कहा था, वो तो दूल्हे के कपड़े पहनकर आ गया है, अब तो तुझे उससे शादी करनी ही पड़ेगी। दूल्हे के ड्रेस में मस्त लग रहा है यार। तू मुझे करा रही है? सॉरी 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 सॉरी। अरे वो तो सच में यहाँ आ गया है। सच में? तो फिर वही है मेरा सोलमेट, डेस्टिनी। अब इसे रोकने वाली मैं कौन होती हूँ? I do love you, mister! ये वही लड़की है? वही तो नहीं है? ये तो सच में आ गया? हाँ वो सच में वही है, चल यहाँ से भाग! चल चल! कहाँ चली गई, अभी तो देखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी डेस्टिनी सक्सेस होगी? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मुझे तो उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। ये तो सच में आ गया। हेलो, क्या हुआ? तुम दोनों इतने सैड क्यों लग रही हो? 7 o'clock को मैंने बाहर आने से मना किया था ना, आप दोनों नहीं आएंगे समझ कर मैं बाहर आ गया, देख लिया ना, डेस्टिनी वही तो हो रहा है। हेलो मिस्टर, कल तो कोइंसिडेंस से मिले थे, लेकिन आज यहाँ पर आप किस मकसद से आए हैं, आप हमें बताएंगे? इसे ही तो डेस्टिनी कहते हैं। सॉरी सर, हमसे गलती हो गई। आप क्यों घबरा रही हो, ये तो डेस्टिनी की गलती है। आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं है ना, तो फिर चलो चलते। अरे रुकिए रुकिए, एक मिनट रुकिए। देखो कल भी 11 o'clock को हम मिलने वाले हैं, ऐसा डेस्टिनी बोल रही है। प्लीज आप घर पे ही रहना, कहीं पर भी कभी भी मत निकलना, अगर कल आपको मुझसे नहीं मिलना है तो, क्योंकि अब तक जो मैंने नहीं किया है वो मैं सोच रहा हूँ कि कल आपसे मिलकर मैं कर दूंगा। अरे तू चुप। I have a plan. डैडी, यहाँ बहुत डिस्टर्बेंस है, मैं बाद में कॉल करती हूँ, बाय। कौन था? डैडी। ओ ठीक है, चल चलते हैं। हाँ चल चल चल। अरे ए, 11 बजने वाले हैं। वो सत्या तो नहीं आएगा? एक दूंगी तुझे, उसका कुछ प्लान है, वो यहाँ नहीं आएगा, कहा था ना, बार बार वही क्यों पूछ रही है? हाँ 11 बज गए हैं। ए गणेश। ए चल। ये लोग कौन है? चला जा। ये सब क्या हो रहा है, हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुम ही से करता है। आ, 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 आ,
कल मैंने तुझसे क्या बोला था? आपने कहा था कि डेस्टिनी ने आपको बोला है कि मुझे किडनैप करवा के किसी अनजान जगह पे रख दो। मैंने वैसा ही किया भाई, तो लफा काई को मारा मेरे को। अरे लेकिन डेस्टिनी तो हो गई ना, इसे देख लिया मैंने, अब मैं क्या करूं? किसको भाई? इस लड़की को। आहा, क्या चॉइस है भाई, बहुत सुंदर दिख रही है। भाई अगर आपको लड़की पसंद नहीं है तो आप मेरी वाली रख लो, मैं इनको रख लेता हूँ। क्या कहा? अबे ये क्या कह रहा है तू? सच कह रहा हूँ भाई, मान जाओ भाई। अरे मान भी जाओ, शादी कर लो इनसे। कितनी खूबसूरत लड़की है, ऐसी लड़की दोबारा नहीं मिलेगी, अब कर ही डालो। आप कुछ मत बोलिए, अभी इस वक्त अपनी डेस्टिनी यही है, ये मैं मान रहा हूँ। मेरा दिल मुझसे कह रहा है मेरी डेस्टिनी करेक्ट है। बढ़िया है डेस्टिनी। ए तू क्या इसकी बातें सुन रही है? स्टेशन आ गया, चल उतरते हैं। अरे ओ हेलो, अपना प्यार सच्चा है? तुम मुझसे आई लव यू बोलने वाली हो, ये सच है? तुम बोलोगी, बोलने वाली हो? अपनी शादी होने वाली है अब से, हर कोने में और हर पल मैं ही तुम्हें दिखाई दूंगा। तुम सुन रही हो ना? जवाब तो दो। मैं इतनी टेंशन क्यों ले रही हूँ, तुझे पता नहीं है क्या? तू जानती तो है, पर तू भी ऐसा करेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तेरी भलाई के लिए ही मैंने किया ना। कैसे? इस तरह से? किसने कहा था पापा को ये सब बताने के लिए, और वो भी कंप्लेन की तरह? क्या बुरा है और क्या अच्छा है ये मुझे नहीं पता है क्या? हाँ, लेकिन वो लड़का अच्छा नहीं कौन? है। वो या तू? वो कैसा है तुझे पता है क्या? पता है, मुझे उसका पास जाने की जरूरत नहीं है, और अब वो कैसा है ये मेरे लिए जरूरी है। पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा। बेटी गौतमी, तुमने सत्या के बारे में क्या क्या बोला था, लेकिन सत्या तो बहुत अच्छा लड़का है, मुझे भी बहुत पसंद आया। अंकल, बेटी शादी के बाद ये यहीं रहेगा, ऐसा इसने वादा किया है। ये मेरे साथ रहेगा तो मुझे भी खुशी होगी ना। बहुत जल्दी तुम्हारी शादी का मुहूर्त निकलवाता हूँ, ठीक है ना? थैंक यू डैडी। चलो बेटी, बाय सत्या। गौतमी ने सत्या के बारे में ऐसी बात क्यों की? वो तो ऐसी है डैडी, हमेशा नेगेटिव ही सोचती है। एक्सक्यूज मी, तुम अपने आप को। तुम क्या बोलने वाली हो मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारी सोच बिल्कुल सही है। यस, उस लड़की से मैंने पैसों के लिए प्यार किया और उससे शादी भी करूंगा। एक और सच बताऊं तुम्हें, एक्चुअली उससे ज्यादा अच्छी मुझे तुम लगती हो, मगर क्या करूं, तुम्हारे पास पैसे तो नहीं है ना। अब जाकर जिसे ये बताना है उसे बता दो, जाओ। अगर उस दिन उसने मेरी बात मान ली होती तो आज वो जिंदा होती सर। ट्रेनिंग के लिए यहाँ आने के बाद ही उसकी एंगेजमेंट, शादी, मर्डर, ये सब कुछ बहुत जल्दी हो गया सर। गुस्से से उसने मुझे किसी फंक्शन में नहीं बुलाया था, लेकिन वो मेरे दिल में है। प्लीज सर, उसे सजा मिलनी ही चाहिए, या फिर आप उसका एनकाउंटर कर दीजिए सर। हैदर, गौतमी की बातों पे यकीन कर सकते हो क्या? अरे ऐसे कैसे यकीन कर सकते हैं सर, मगर मुझे लग रहा है यकीन करना चाहिए। वैसे अब मुझे भी यकीन करना सही लग रहा है सर। सही लगा? हाँ सर, लेकिन मुझे कुछ शक हो रहा है। इनको हाँ और ना दोनों से प्रॉब्लम है। ये क्या सर, कॉलिंग बेल बजाने से पहले ही डोर खुल गया, तो ये कॉलिंग बेल बंद करने के लिए लगवाई है क्या? हेलो, एक्सक्यूज मी। बस 5 मिनट इंतजार करो मेरी जानो, बस मैं अभी तैयार होकर के आता हूँ। मेरे बाप का यही ब्रांड, मेरे दादा का यही ब्रांड। कौन है ये लोग? पब्लिक टॉयलेट समझ के सीधा अंदर घुसा है, कौन हो तुम लोग? कौन हो? ACP। अरे कोई भी सीपी हो, मुझे क्या करना है, काम बोलो। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। सर! Hey, लुंगी उठाओ। घबराहट में फिसल गया सर। Hey, तुझे 30 सेकंड का समय देता हूँ, तैयार होके यहाँ जा। 20 मिनट में आता हूँ सर। ऑलरेडी 10 सेकंड खत्म हो गए। अरे बाप रे, बड़ी जल्दी कहाँ है? अरे कहाँ गई मेरी टोपी? अरे जल्दी चल जा मेरे बाप। चलो हो गया। ऐसे मत घुरो सर, डर लगता है। बैचलर रूम में कुछ पीने के लिए नहीं। हाँ सर, 2 पैक पियेंगे। चढ़ेगी नहीं सर, ब्रांडेड है, दुबई से मंगाई है मैंने। तुम्हारे सर पे क्या है? सर पे क्या है? ओ आपकी है क्या? Hey! ओ आपकी है क्या? Hey! नहीं मेरी है। तुम इतने टेंशन में क्यों? टेंशन नहीं है सर, डर है। पुलिस की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, आपसे मिलने के बाद तो और भी। तुम्हारा नाम सीनू है, गांव गुंटूर, काम के लिए दुबई गए थे, सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल सही है सर। कर्क राशि, स्वाति नक्षत्र, 3rd पद, मेरा 30वां साल चल रहा है। किसी सिंपल लड़की से शादी करूंगा, लेडी कांस्टेबल होगी तो भी चलेगा।
ऐसे मत गुरु सर, डर लगता है। तुम्हारे फ्रेंड सत्या की मुझे डिटेल्स चाहिए। सर, उसका दिल तो सोना है, बहुत अच्छा लड़का है, करोड़ों में ऐसा होता है ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन उसे गुस्सा भी बहुत है। ए, चाय गरम नहीं है तो क्या मुंह पे मारेगा? बियर किल नहीं है तो क्या बोतल सर पर मारेगा? मैंने उसकी बॉल पे छक्का मारा तो उसने मेरा बैट तोड़ दिया। वो एक सर फिरा है। साफ साफ शब्दों में कहूँ तो वो एक पागल है, बिल्कुल पागल, और वो ऐसा ही है। वो कब कैसे क्या करता है किसी को पता नहीं चलता सर। उसने उन सबको मारा, लेकिन उन्होंने उसको नहीं मारा क्या? कैसे मारेंगे, कैसे मारेंगे सर, मैं उसका दोस्त हूँ ना, कैसे मारने दूंगा? मतलब सबने तुझे मारा क्या? बिल्कुल सही समझा सर। अरे बाप रे, कहीं भी मारिए चलेगा, नाक पे मत मारिएगा सर। अरे बाप रे, नाक पर मारने के लिए मना किया था। इतनी मार खाने के बावजूद भी तेरी उससे फ्रेंडशिप है? मैं उसका फ्रेंड हूँ सर, वो MBA में टॉपर है। ऐसे टॉपर कितने लोग होते हैं सर, उसके अंदर एक प्लस पॉइंट है सर, वो कबड्डी बहुत अच्छा खेलता है। उसकी ताकत और कमजोरी दोनों कबड्डी ही है सर। वो कबड्डी को खेल की तरह नहीं सर, युद्ध की तरह खेलता है। कप पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अचानक उसकी जिंदगी में एक खूबसूरत लड़की की एंट्री। बस उसकी लव स्टोरी मैं सुन चुका हूं। अच्छा, सुन चुके हैं? किसने बताई? दिसंबर 12th उसे पुलिस ने क्यों अरेस्ट किया? इसे सारी बातें पता चल गई क्या? बताओ। 20th नेशनल कबड्डी 2016 हैदराबाद में चल रहा था। बहुत सारी टीमें आई थी, गोवा राइनोस, उस टीम का कैप्टन पीटर डायनेमिक प्लेयर, हैदराबाद बुल्स का कैप्टन सत्या। सबका अनुमान सही निकला, गोवा राइनोस हैदराबाद बुल्स दोनों फाइनल में आए। Hyderabad Bulls and Goa Rhinos. Both the teams looking very confident and points are equal. And now the time for a winning point. Yes, we win. Hey Peter, Peter, hey. मैच जीतने की खुशी से ज्यादा पीटर को क्या हो गया सोचकर सत्या परेशान हो गया था। जबकि पीटर को सत्या नहीं मारा ये सोचकर पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। जबकि पीटर को अस्थमा की बीमारी थी ये बात उसने किसी को बताए बिना कबड्डी में हिस्सा लिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सत्या को निर्दोष मानकर रिलीज कर दिया गया। 10 दिन जेल में रहने के दुख से ज्यादा पीटर उसकी वजह से मर गया ये सोचकर उसने कबड्डी खेलना छोड़ दिया। hey, सेंटीमेंट की बात छोड़, आगे क्या हुआ था ये बता। उसके बाद उसमें बहुत बदलाव आ गया सर। सुबह जल्दी चला जाता, रात को लेट नाइट घर आता, कुछ भी पूछो तो बताता ही नहीं था। हमेशा पागलों की तरह पता नहीं क्या लिखता रहता। 2 दिन से बैठकर क्या लिख रहा है भाई? बाहुबली 3 की स्क्रिप्ट लिख रहा है क्या? क्या यार, पता नहीं क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। जितना भी वो लिखता सारे पेपर जला देता। अरे ये क्या किया यार, उसका बिहेवियर कभी कभी विचित्र सा होता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उसी समय दुबई में मेरी जॉब लग गई, लेकिन मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं थे। तभी एक दिन, अरे अच्छी नौकरी है यार, ब्याज के साथ पैसे वापस लौटा दूंगा। अरे हेलो हेलो, पैसे मांगो तो फोन कट कर देते हैं। हे, मैंने तुझे इतना कॉल किया, फोन क्यों उठाता? कहाँ गया था तू? मैं पूछ रहा हूँ कुछ, कहाँ गया था? ये पैसे लेकर तुम दुबई जाओ और जॉब ज्वाइन कर लो। इतने पैसे कहाँ से लाए? टाइम आने के बाद सब बता दूंगा, अब जाओ। और उसके बाद मैं दुबई चला गया सर। क्या पैसे के बारे में बाद में उसने बताया? एक्चुअली दुबई जाने के बाद मैंने उसे बहुत फोन किया, लेकिन उसने उठाया नहीं। उसके बाद तो कभी उसका फोन ही नहीं लगा सर। सर, इसे पकड़ूं या फेंकूं? इसको दे देता हूं, बाय। ये सिगरेट मुझे देकर क्यों गया? ओ, दिखने में तो सियाड़ा लग रहा है पर बातें सही बोल रहा है। मगर वो जो कह रहा है वो सही नहीं है, ठीक है ना सर? एक्सक्यूज मी सर। हेलो, व्हाट सर? एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए 12 जुलाई को सत्या को गोवा जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। ओहो, मुरजिम बीच में जगन्नाथ की बेटी का कत्ल तुमने ही किया था ना? शिट हैपेंस। आई एम सेल्फी मुरली, लेट्स टेक अ सेल्फी। हाँ, कहीं भी शुरू हो जाता है। कैमरे को भी नई फोटो पसंद आती है। वेलकम टू गोवा सर। Oof!
सुन छोटे। हाँ भैया। शाम को हम मस्त पार्टी करेंगे, अच्छी तरह खेलना। श्योर भैया। थैंक्स। पहचाना कि नहीं? पीटर, पीटर, हे, हे, हटो, पीटर, हटो, पीटर, 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 उठो, पीटर, क्या हुआ तुम्हें? पीटर, हे, क्या किया? मेरी बात तो सुनिए सर, सर, प्लीज मेरी बात सुनो। है तुझे नहीं छोड़ूंगा, है, हट, मुझे भाषण सुना रहा है, इसने मेरे भाई को मारा है, नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। नहीं सर, तू नहीं से मारा है, मैं तेरी जान लेकर आऊंगा। अरे बाप रे, अल्बर्ट डिसूजा, तूने सोचा भी नहीं होगा, उस दिन तो तू बच गया था, अब तुझे मैं दिखाऊंगा असली कबड्डी। वेलकम टू गोवा जेट। ये क्या तुम्हारा सेल्फी टारगेट है? कबड्डी बहुत अच्छा खेलता ही है। क्यों रे, सुना है तू कबड्डी बहुत अच्छा खेलता है, जान से मारकर पॉइंट ले लेता है, हाँ यहाँ भी करेगा क्या? आनंद आनंद हाय, अपने लिए गोवा जेल ही सही है। त्र्यंबकम यजाम है। क्यों पंडित, कैसे हो? हाँ। दो दिन पहले तुमसे मिलने एक मस्त लड़की आई थी, तुम्हारी बेटी थी क्या? उसकी बेटी क्या सेक्सी है भाई, अगर उसके साथ एक भी भजन करने को मिल गया तो मजा आ जाएगा। क्या बकवास कर रहा है तू? आइए इसे पकड़िए, पकड़िए इसे। ओके ओके। चलो सब लोग जल्दी आ जाओ। ये लो बेटा, आज तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ? तुम यहाँ क्यों आए हो मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि किसी अनजान व्यक्ति की जान बचाने के लिए तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया, तुमने कोई गलती नहीं की होगी मुझे विश्वास है। लेकिन बेटा, इस तरह के क्रूर राक्षसों के बीच में तुम कैसे रहोगे ये सोचकर मैं डर रहा हूँ। उधर देखो जो हंस रहा है ना, वो जॉन है। कल जो बदमाश मुझे परेशान कर रहे थे वो इसी के आदमी है। अंदर है लेकिन बाहर बड़े बड़े क्राइम यही करवाता है। इसका नाम माधवन है, इसको सब मैडी नाम से बुलाते हैं। इस जेल में इन लोगों के खिलाफ भी कुछ लोग हैं, उनमें से एक है भीम, ये सलमान है और ये शानी है। यहाँ पर दो भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर भी हैं, एक है हैरिश और दूसरे का नाम नरसिम्हा है। इन लोगों से बचकर रहना। इस जेल में आज तक एक चीटी को भी तकलीफ नहीं दी है, वो एकमात्र ऑफिसर है मुरली, सेल्फी मुरली। मैडम के साथ ये हर जगह सबके साथ सेल्फी लेते रहता है और ये जेल का मेंटेनेंस देखता है। इस जेल में 948 कैदियों में आधे लोग अपने ही हैं। पंडित जी, हाँ ये देखे मैं ले आया हूँ, विनायक और भगवत गीता। ये कौन है? न्यू एडमिशन। नाम क्या है बॉस? सत्या। आई एम ऑल इन ऑल। यहाँ से बाहर कुछ भेजने के लिए, बाहर से कुछ भी मंगवाने के लिए, सब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में ही करता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए बॉस? अरे ऑल इन ऑल, जब जरूरत पड़ेगी मांग लेगा। तू जा। न्यू कमर्स के लिए 20% डिस्काउंट भी है। ये पूरा जेल का कंपाउंड लगभग 240 एकड़ में फैला है। इस जेल के कंपाउंड से एक मच्छर भी बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ 320 स्टाफ काम करते हैं। यहाँ की एक और खास बात है, जेल के कोने कोने में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। बहुत बेगुनाह लोग भी यहाँ आते हैं। कितने लोग तो यहाँ से भागने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो भागने में सफल नहीं हो पाते, अल्बर्ट के हाथों मारे जाते हैं। अब वहाँ देखो, इस जेल का सबसे खास और सबसे खतरनाक वो कबड्डी कोर्ट है। यहाँ होने वाले खेल का कैप्टन अल्बर्ट होता है। बाहर बहुत सारी सोसाइटी में पेंडिंग रहने वाले केस को इसी कोर्ट में बैठकर सेटल करता है। अल्बर्ट यहाँ से बाहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ सेटिंग करते रहता है। उनके साथ कंपटीशन करने वाले बिजनेसमैन को किसी न किसी केस में फंसाकर अपने इन्फ्लुएंस को इस जेल में मंगवाता है। इस गैंग के साथ कबड्डी खिलवाकर खेल में ही उन लोगों का मर्डर करवा देता है और इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कबड्डी खेलवाना, उसे देखना उसका वीकनेस है। इस तरह से पैसे कमाना अल्बर्ट का बिजनेस है। ए मैडी। अल्बर्ट से हमेशा सावधान रहना,
समझ गए ना बेटा? ए शाने, वो शूज लेकर यहाँ पर आ। वो लोग जॉन के आदमी हैं, जानबूझकर ऐसे झगड़े करते हैं। तुम चलो। देख रहा कैसे नए लड़के पे पिल पड़ा? सर सर सर, देखिए वो जॉन उस नए लड़के को मार रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है सर। बचा लीजिए सर, प्लीज। पंडित सर, जल जाके पूजा कर। अरे उन्हें देखकर अपना दिमाग खराब मत कर। अरे चलना। सर सर, कोई गलती नहीं है सर। इसकी चर्बी मैं उतारूंगा, तुम जाओ प्लीज। क्या बे, अभी भी नहीं खेलेगा क्या? तू खेलेगा, मैं खिलवाऊंगा। चार दिन हुए नहीं आए, घमंड दिखाना। क्यों बे, खेलेगा ना कबड्डी? तुझे खेलना पड़ेगा। चल चल अंदर जा, अंदर चल, अंदर जा, चल चल। बलि देने से पहले बकरे को जैसे सजाते हैं, आप वैसा ही कर रहे हो सर। समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? शूट कर दिया तो सिंगल बुलेट में मर जाएगा सर। तेरे ऊपर ट्राई करूं क्या? नहीं सर, 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 अभी करूं? सर, 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 नहीं सर, सर। ठीक, ऐसा ही डर चाहिए मुझे। बुलेट से शूट किया तो एक ही सेकंड में मर जाएगा वो, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। जिस तरह से कबड्डी खेलते समय मेरा भाई मरा, उसी तरह उसी खेल में मैं इसे भी तड़पा तड़पा कर मारूंगा। ये मरेगा, मैं मारूंगा इसे। सत्या, मैं एक बात पूछूंगा तो बुरा नहीं मानोगे ना? तुमने जिस लड़की से प्यार किया उससे शादी करके पहली रात को ही तुमने उसका मर्डर कर दिया, यहां सब लोग ऐसा कह रहे हैं, यह झूठ है ना बेटा? बोलो सत्या, यह झूठ है ना? ओहो, लगता है सो गया। शादी के बाद मैंने ही उन दोनों को हनीमून के लिए गोवा भेजा था, लेकिन अब श्रुति जिंदा नहीं है, ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है। पापा। बाय पापा। कितना अच्छा नाचती है मेरी बेटी। ये अपने आप से क्या बात कर रहा है? यहीं पर नाचती थी मेरी बेटी, उसके घुंघरू की आवाज आज तक मेरे कानों में गूंजती रहती है। प्रकाश गड़बड़ा है, लगता है अपनी बेटी को अभी तक भूला नहीं है। ये कैसा परिवार है क्या पता? शादी भी मैंने उसकी पसंद से ही की थी प्रकाश, लेकिन उसने मेरी श्रुति को पहले ही रात में मार दिया। उसी ने मारा है श्रुति को, इसका सबूत है। फिर क्यों, आखिर क्यों हो रही है यह तहकीकात? इतना एविडेंस होने के बाद भी बॉडी अभी तक मिली नहीं है, और जब तक बॉडी नहीं मिल जाती हम उसका कुछ नहीं कर सकते। बहुत लोगों को लगाया, बहुत पैसा खर्च किया और चार दिनों तक समुद्र में ढूंढवाया, लेकिन
आखिरी बार उसे देखने के लिए उसकी बॉडी नहीं मिल रही है। ओके, ये फोटो मैं अपने पास रखता हूँ सर। अभी अभी गोवा में जो हुआ श्रुति मर्डर केस के मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करने वाले प्रकाश वर्मा टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा वल्लरी जगन्नाथ का कहना है। असल में क्या हुआ ये जानने के लिए, श्रुति की डेड बॉडी नहीं मिलने की वजह से ये केस और भी सीरियस हो चुका है, ऐसा गोवा के कमिश्नर जॉन मैथ्यूज ने मीडिया से कहा है। तो अभी कमिश्नर साहब क्या कहते हैं ये सुनते हैं। कमिश्नर साहब आपका ये क्या मुझे टारगेट कर रहा है, ये देखेंगे ब्रेक के बाद। सर एक्चुअली प्रकाश, नो मोर आर्ग्यूमेंट, ये कोर्ट का ऑर्डर है। तुम्हारे पास 10 दिन का टाइम है, इस केस को जल्दी खत्म करो। तुम्हारे गोवा जाने की सारी तैयारी कर दी है, यू मे गो नाउ। हैदर, सत्या को गोवा जेल भेजने के पीछे कोई दूसरी ही वजह है। सर जेल तो जेल होती है, फिर गोवा की हो या बैंकॉक की हो। सर मैं पहली बार गोवा जाऊंगा, तो क्या इस इन्वेस्टिगेशन में अपनी बीवी और बच्ची को साथ ले जा सकता हूँ? ऐसे क्यों घोरा, मैं अपनी बीवी को अपने साथ गोवा ले जाऊं ये लुक का मतलब था क्या? ये बैचलर्स लोग भी ना कितना सही सोचते हैं। सर 3 दिन के बाद मैच है, ऐसा हमने अनाउंस किया है। इतना टॉर्चर के बाद भी वो कहता है नहीं खेलेगा, अब क्या करें सर? उसे टॉर्चर करने पर वो नहीं खेलेगा, जिसे वो पसंद करता है अगर उसे टॉर्चर किया गया तभी वो खेलेगा। ओके सर। है पंडित। हाँ। चलो तुमसे कुछ काम है। हाँ? हाँ। सुनो पंडित, तुम्हें जॉन के साथ कबड्डी खेलोगे ना? मुझसे मजाक कर रहे हैं सर, मैं कबड्डी कैसे खेल सकता हूँ? मैं तुझे जोकर दिखता हूँ क्या? तू नहीं खेलेगा बोला ना, उसे खिलवाता हूँ, बस तो देखता रहे। मैंने कहा ना तुझे खेलना होगा। सुनो, ये बेचारे बुजुर्ग हैं, 70 साल की इनकी उम्र है, ये कैसे कबड्डी खेलेंगे? ए कृष्णा, स्टोर रूम में बहुत ज्यादा चूहा हो गया है, जाकर उसके साथ सेल्फी ले। जा, तू बोल तू खेलेगा कि नहीं? कैसे खेल सकता? नहीं खेलेगा, नहीं खेलेगा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, नहीं खेलेगा। खेलूंगा, मैं खेलूंगा, तुम सब यही चाहते हो ना, मैं खेलूंगा। ए, कैसे खेलेगा? अकेले खेलेगा क्या तू? उसके लिए टीम चाहिए, कौन खेलेगा तेरे साथ? ये लोग, ये सारे के सारे डरपोक हैं, इन्हें जीने की उम्मीद है, कोई नहीं आएगा, ये लोग तुझे टॉर्चर करके मार डालेंगे। तू मत खेल, तूने गुस्से में कह दिया बेटा, तुझे खेलना नहीं है। मैं बात करता हूँ, उसको छोड़ दीजिए सर, वो नहीं खेलेगा, उसके बदले मैं खेलूंगा। उसके बदले मुझे ले लीजिए सर, मैं खेलूंगा सर। नहीं, मैं क्यों नहीं खेलूं? मुझे भी जीना है, मैं भी डरपोक हूँ, वो लोग भी डरपोक हैं। ये जेल है, हम सब क्रिमिनल्स हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा हम ही बुरे हैं, जाने अनजाने में गलती करके आए हुए क्रिमिनल्स हैं हम लोग, वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। वैसे ही आप लोगों के भी उन लोगों के साथ कुछ करने की आशा है ना? ए, मत खेल बेटा। ये चांस हम लोगों ने नहीं लिया है, उन लोगों ने ही दिया है। जिंदगी में चांस एक ही बार आता है और वही जिंदगी को बदल देता है। उन लोगों ने हमें जीने का चांस दिया है तो हम लोग उन्हें डर देंगे ना? मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, आज उन लोगों ने मुझे मारा है, कल आप लोगों को भी मारेंगे, तो बस बैठ कर तमाशा देखोगे पंडित की तरह? बोलो तमाशा देखोगे? उनको खत्म करने के लिए मैं तो रेडी हूँ, और तुम लोग? हम रेडी हैं। अब खेलूंगा मैं कबड्डी, 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 कबड्डी। सेल्फी के लिए रेडी रहना। सर आपने कहा तो मैंने फोटो निकालने के लिए कह दिया है, वो फोटो आपको व्हाट्सएप कर देंगे। सर बोट उस तरफ है, हम लोग जा सकते हैं क्या? हटो। लोकेशन बहुत अच्छी है सर। हैदर। सर वहां जाके खड़े हो जाओ। क्यों सर? शूट करना है। ओके सर, मेरी फोटो शूट होगी। जरा साइड में। अच्छा, बैकग्राउंड के लिए। ओके सर। सर, नहीं सर, मैंने कहा था ना शूट करना। सर शूट का मतलब कैमरा शूट समझा था सर, आपने तो गन ही निकाल ली। वो लड़की गोली लगने से गिरी थी या फिसल के गिरी थी यही जानना है। तो
शूट करेंगे तो मालूम पड़ेगा ना। मर जाऊंगा सर। अरे मैं निशाना गलत, निशाना गलत हुआ तो मैं मर जाऊंगा सर। मेरी फैमिली है सर, प्लीज सर क्या कर रहे हैं आप? ड्यूटी में ये सब कॉमन है। बाहर में क्या ड्यूटी, बाहर में क्या जॉब? मैं रिजाइन कर रहा हूँ सर, आप गन हटाइए, मुझे पेन दीजिए, मैं रिजाइन कर देता हूँ। सर पेन मांगा तो गन क्यों दी सर? सर शूट करो। क्या सर? शूट करो। मैं आपको शूट नहीं कर सकता सर। मैंने कहा शूट करो। नो सर, आई कांट सर। मैं अगर मर भी गया तो रोने वाला कोई नहीं है, शूट करो। आपका दिमाग खराब है क्या सर? हैदर, इट्स एन ऑर्डर। एस पर योर ऑर्डर। सर, सर। या खुदा, ये मुझसे क्या हो गया? इस मेंटल ने मुझे गोली मारने को बोला, मेरी इस बात पे कोई यकीन ही नहीं करेगा। मैं मर्डर केस सॉल्व करने आया था, खुद मर्डर केस में फंस गया। बाहर निकलो सर, खुद तो डूब रहे हो, मुझे साथ में क्यों डूबो रहे हो? एक बार बस बाहर आ जाओ, खुद गोली मार दूंगा आपको। अरे आज तो मेरे हाथ से बचेगा नहीं, देख लेंगे। अरे अरे क्या कर रहे हो? ए, 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 अब खा ये पकौड़ा और मिटा अपनी भूख। कबड्डी कबड्डी कब कबड्डी 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 कबड्डी। हमें जीतना होगा, बस। कबड्डी 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 कबड्डी। कबड्डी 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 हेलो एल्बर्ट सर, मर्जिम बीच के श्रुति मर्डर केस का एक्यूज्ड सत्या है ना, उसे 5 मिनट में इंट्रोगेशन रूम में लाओ। ओके सर। आई एम ऑन द वे। कबड्डी बहुत अच्छा खेलते हो ना, बट कबड्डी और क्राइम दोनों एक नहीं है। ये तुम्हारी और श्रुति की इंगेजमेंट रिंग है। आज सुबह में
मर्जिन बीच में एक फीमेल का हाथ मिला है, उसी के हाथ में था ये रिंग। जिस दिन तुमने श्रुति को मारा था वही डेट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है, उस पर तुम्हारी फिंगरप्रिंट्स भी मिली है। अकॉर्डिंग टू यू, शूटआउट में मरकर समुद्र में गिरने के बाद श्रुति की बॉडी को मछली ने खा लिया और सिर्फ हाथ ही मिला है, ऐसा कहकर इन्वेस्टिगेशन क्लोज किया तो तुम्हें फांसी हो जाएगी। चैप्टर क्लोज। साइको है कमीना, देख रहे हो, ऑफिसर को रेस्पेक्ट भी नहीं देता। बट तुम्हें फांसी हो मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता करना है कि तुमने सिर्फ उसी लड़की का मर्डर किया है या उसके जैसी बहुत सी लड़कियों को मारा है, यह जानना है मुझे। ये तो कुछ मिस्टीरियस लग रहा है। सो मुझे जो समुद्र में हाथ मिला था वो श्रुति का नहीं है, डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से उसकी उंगली में जो रिंग था वो तुम्हारी एंगेजमेंट का ही रिंग था, ज्वेलरी शॉप से पता चला। मतलब उस दिन एक नहीं दो मर्डर हुआ था, सही बोल रहा हूँ ना? गुड वन ऑफिसर। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई। वो डायमंड जिस हाथ में था वो हाथ किसका था? वेरी गुड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, यू आर अमेजिंग। सर सत्या टेबल पे कुछ लिख रहा है। गेम खेले ऑफिसर, माइंड गेम। कबड्डी 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 कबड्डी। उसे सजा मिलनी ही चाहिए, या फिर आप उसका एनकाउंटर कर दीजिए सर। उसमें बहुत बदलाव आ गया सर, अकेले में बैठकर पता नहीं क्या सोचता रहता था, यहाँ तक कि उसे बात करने में मुझे डर लगने लगा। उसी ने मारा है श्रुति को, इसका सबूत है। फिर क्यों, आखिर क्यों हो रही है यह तहकीकात? सर वो आपको बुला रहे हैं। इसे बॉल किसने दी? मैंने दी है, मैं ही हूं वो। कोई ऐसे खाता है क्या? ये तो उससे भी बड़ा साइको लग रहा है। साइकाइट्रिस्ट जेबिया डिसोजा के बारे में नहीं पता है क्या? चाय के साथ केला खाने से कितना स्वाद मिलता है तुम्हें नहीं पता? लगता है ये मेरे बारे में नहीं जानता। प्रकाश तुम अंदर जाओ। नो 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 नो, ओनली प्रकाश। बोलिए। तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग जिस हाथ में थी वो किसका है? कैथरीन का। कैथरीन कौन? श्रुति? बिल्कुल उसके जैसी कैथरीन। 20th नेशनल कबड्डी सेमीफाइनल मैच गोवा में चल रहा था, उस वक्त एक दिन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बीच पर गया था। अरे यार बीच पे ये सब कॉमन है, रेत वेत उड़ता रहता है, छोड़ना वो सब। मैंने फर्स्ट टाइम कैथरीन को वहीं पर देखा था। सच कहो तो कैथरीन श्रुति की तरह नहीं, श्रुति कैथरीन की तरह लग रही थी। मेरे पास एक ही था, वो भी हाथ से गया, मर गया। ए देख तू, वो पीटर है ना, कबड्डी प्लेयर। एक्सक्यूज मी, हाय आई एम कैथरीन, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, मीट माय फ्रेंड सॉरी, आई हैव सीन ऑल ऑफ योर गेम्स, गॉट टू गो, बाय। अरे रुक। कैथरीन संभल के। अबे लाइट जैकेट पहना है ना? उससे क्या हो जाएगा? कैथरीन देख, संभल के गिर जाएगी। अरे कैथरीन हे उधर देख। हेलो, आर यू ओके? हेलो हेलो
Met her in my dreams, she was my queen. A castle in the mountaintops, rivers and streams. Plucking sunlight from the sky in my pocket. Give it to you later on in the form of a locket. Hello? Catherine? Catherine, ऐसे कैसे गिर गई यार? Thank God. Are you okay? ये कहाँ चला गया? कौन? अभी तो यहीं था. तू किसे ढूंढ रही है? अब मैं क्या करूँ? एक्सक्यूज मी, हाँ आप ही. ये आवाज सुनी लग रही है. गुड मॉर्निंग सर. क्या सर, मस्त मसाज करवा रहे हैं? नहीं, कुछ और करवा रहे हैं. लड़का पैदा होगा तो फंक्शन में आ जाना, साड़ी दिलवा दूंगा. आप बीच हेल्प. समझ गया. मैं कैथरीन. सेम पार्टी. पार्टी कब, कहाँ, क्यों? हम आ सकते हैं क्या? ए, हाँ याद है, बोलिए. वो आपकी सिंह राशि है ना? हाँ, उसकी सिंह राशि है, मेरी शेर राशि है. जो मसाज कर रही है उसकी कन्या राशि. सुनो, तुम लगे रहो. हाँ, मेरी सिंह राशि है. तो क्या हुआ? मैंने कहा था ना, ठीक है ठीक है, अब वो भी पूछ ले जल्दी से. पूछ. Where is he? वो तो कब का चला गया? ए, तेरी तो अभी रहने दे रहा. ये क्या इतनी जल्दी खत्म हो गया? आली. Hey, hi, handsome. You look like Samsung. Hey, Samsung क्या बे? मैं सोनी ट्राई कर रहा था, ओनिडा की तरह बीच में आ गया. क्यों? No, Onida. I am Gichmi. Go, Gichmi. चुप रह. ये बता क्या चाहिए तुझे? I want your. ये क्या होता है बे? Your heart. Your love. Oh, heart. इधर नहीं है, उधर उधर है. उधर? यहाँ कुछ नहीं मिलेगा. Samsung. फेरी में सेल्फी, मजा आ गया. एक्सक्यूज मी, तुम कैथरीन हो ना? थैंक गॉड, देखा, इसे तो सब कुछ याद है. ए लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? सोनी. हाँ, सोनी. एलईडी पता है, एलसीडी पता है, ये नई मॉडल कौन सी है भाई? अरे तेरी तो मैं देखा इसे. आपका नाम ऐसे स्टार्ट होता है ना? हाँ, इसका नाम सत्या ही है. आपको जो चाहिए मांग लीजिए. मांगिए. मेरा सैमसंग दिखाई नहीं दे रहा. हे, हेलो, क्या चल रहा है यहाँ पर? मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है. एक्चुअली ये ज्योतिष पर बहुत भरोसा करती है. इसकी कुंडली में दोष है और इसे वही बचाएगा जिसकी सिंह राशि हो. जिसका नाम स से शुरू होगा सिर्फ उसी से ये शादी कर पाएगी, ऐसा एक ज्योतिषी ने इसे बताया था. सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही हुआ. बीच हेल्प सिंह राशि सत्या हैदराबाद सब कुछ सेम है. डेस्टिनी. ए लूजर, तुम्हें तो उस दिन इवनिंग में ऐसे समंदर में छोड़ देना चाहिए था. बचा कर गलती की मैंने. ए चल यहाँ से. अरे अरे ए सत्या, ए मेरी बात तो सुनो. अरे तो चल यहाँ. सुनो, अरे सुनो, अरे मेरी बात सुनो. अरे 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 उस लड़की की बात तो सुन. अरे सुन, वो सच में तुझसे प्यार करती है यार. सैमसंग. अरे तू उससे बात किए बिना क्यों जा रहा है भाई? वो तुझे पसंद नहीं है तो मुंह पे बोल दे. अरे चल छोड़ उसे. उससे मुझे पहली नजर में प्यार हो गया था, लेकिन अच्छे टाइम के लिए वेट कर रहा था. ओ भाई, इससे अच्छा टाइम और क्या मिलेगा? हेलो कैथरीन. हेलो, क्या है? मेरा दोस्त भी तुमसे प्यार करता है. अरे चुप यार. चल यहाँ से. चुप यार. तू भी ना. अरे चुप. अरे यार रॉन्ग नंबर लग गया, भाग यहाँ से. अरे हाय कैथरीन. हाय, हाउ आर यू? वेरी गुड. तुम दोनों के लिए एक गुड न्यूज़ है. मेरी गोवा मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर हो गई है. कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू. कौन है बे? वो अपने कोच का फोन है यार. उससे भी खुशी की बात ये है कि तुम दोनों एक हो गए हो. इसी तरह खुश रहो. कहो कि मैं. कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू कैथरीन. बाय बाय. ऑल द बेस्ट. या आई एम सो हैप्पी. हाय कैथरीन. हाय पीटर. ये क्या है, आजकल तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, देखकर भी अनदेखा कर देती हो. क्या चल क्या रहा है? No. अरे तुम्हें तो एक विनर के साथ रहना चाहिए. इस लूजर के साथ क्या कर रही हो? अभी ये मेरी लवर है. पर्सनली जब लवर्स बात करते हैं तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. इतना भी सेंस नहीं है तुझे? अबे ये कई दिनों से मेरी फैन है, बीच में तू आया है, अभी भी यही मेरी ड्रीम गर्ल है. हाउ डेयर यू टू टच हर, यू रास्कल. स्टॉप इट. ठीक है, अगले हफ्ते हैदराबाद में जो फाइनल होगा वो कप के लिए नहीं होगा, इसके लिए होगा. और एक बात, जो जीतेगा ये उसी की होगी. समझ गया?
दम है ना? बोल। ओके, रेडी। तो ठीक है, अभी मिला है तो वहीं देख लूंगा। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू 28th नेशनल प्रो कबड्डी मैच। टुडे इट्स अ फाइनल गेम बिटवीन गोवा राइनोस एंड हैदराबाद बुल्स। सो प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू सत्या'स टीम एंड पीटर्स टीम। सो द काउंटडाउन बिगिंस, 3, 2, 1 एंड गो। थैंक यू ऑल द बेस्ट क्रिकेटर। टॉस मुंबई सत्या। So Satya's team won the toss and they are ready to play. Kabaddi, Satya kabaddi, is looking kabaddi, very energetic kabaddi, and he is struggling for points and he got a point. Satya's team has a point. Yes. Now it's time for Goa Rhinos and they are looking very confident in the game. Now Peter's team has got a point. I told you, man. Both the teams are playing very well and fighting for a point. Unfortunately, Rhinos has got a point. तेरा ही लास्ट राउंड है, वन लेना है। डू अ मिरेकल फ्रॉम हियर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड वाओ, सत्यास टीम हैज गॉट वन पॉइंट। एंड नाउ सत्यास टीम हैज वन मोर पॉइंट। लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर्स। सत्यास टीम एट 29 पॉइंट्स, पीटर्स टीम गॉट 29 पॉइंट्स, सो बोथ द टीम्स आर इक्वल। सो द गेम इज गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड हु विल विन द फाइनल, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पीटर, अरे हो गया, इसको क्या हो गया? माय गॉड, अचानक कैसे? पीटर, उस दिन पीटर वैसे ही मर गया। पीटर और कोई नहीं है बल्कि जेलर एल्बर्ट का छोटा भाई है। मैंने जानबूझकर पीटर को मार दिया, ये सोचकर वो गुस्से से चली गई। उसी दिन मैंने उसे आखिरी बार देखा था। ठीक है, फिर उसे दोबारा कब मिला? मैंने कहा ना, वही आखिरी बार था। मैं उससे फिर कभी नहीं मिला। उससे मिला नहीं या मिलने के बाद किसी को बताया नहीं? ये तो आपको जानना होगा। बिल्कुल जानूंगा। All the best, sir. मुझे लगता है कि तूने ये मर्डर नहीं किया होगा, क्योंकि ये खूनी का हाथ इतना सॉफ्ट नहीं होता है। हाथ पकड़कर आपने मेरी कुंडली बताई ना, ये रख लीजिए। आपको गुस्सा ज्यादा है लगता है, ज्यादा गुस्सा करोगे तो आयु कम होती है। सो अगर हाथ सॉफ्ट रहेगा तो खून नहीं कर सकते हैं ना, यही कहा था ना आपने। एक छोटी सी कहानी बताऊं सर? सारे लोग ये कहानी जानते हैं। दरअसल एक गांव में एक मकोड़ा रहता है। वो मकोड़ा एक खूबसूरत लड़की से प्यार करता है। उसके गांव में रहने वाला एक बैड बॉय उस लड़की को ट्रैप करता है, ये वो मकोड़ा देख लेता है। मकोड़ा चाहे जितना भी छोटा क्यों ना हो, वो चुपचाप थोड़ी बैठेगा। तो उसने शिकार करके उसे मार दिया। जब मारना ही है तो मकोड़ा क्या और इंसान क्या है सर? क्या कर रहा है? जल्दी खोलो इसे, जल्दी खोलो इसे, खोलो दरवाजा, ये खुल नहीं रहा सर। सर ठीक है, आप दो तीन पुलिस ऑफिसर पे हाथ उठाएगा तू? स्टॉप इट, उसे कुछ मत करो। अगर हम नहीं आते तो ये आपको मार देता सर। 17 seconds. अगर इस तरह दबाओ तो हर इंसान मरेगा। और 3 सेकंड अगर और पकड़े रहता ना। खून करना हाथ में नहीं होता सर, माइंड में रहता है। मकोड़ा होने दो या इंसान होने दो, जाओ अपना काम देखो। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। कंफर्म इस लड़के में बहुत दम है, कंफर्म बहुत दम है। सर यहीं पर ट्रिमिंग कर रहे हैं। सर चलें क्या?
हमारे डिपार्टमेंट की इतनी बेइज्जती, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है सर। मैं इसे इसी वक्त मारना चाहता हूँ सर। मेरा गला दबाया इसलिए या तुम्हारे भाई को मारा इसलिए? जब इसे गोवा शिफ्ट किया गया तभी मुझे डाउट हो गया था। इसके पीछे कुछ तो है जो मुझे अब कंफर्म हो गया। तुम्हारे भाई की मौत अस्थमा से हुई थी ऐसा कोर्ट का जजमेंट आया है, लेकिन ये बात तुम्हें हजम नहीं हो रही, ये सच है। वो मेरे हैंडओवर होने तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। केयरफुल, चलो। कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैं कुछ नहीं जानता। मेरे भाई को इसने मारा है, मैं इसे मार के ही रहूंगा। क्यों सर? मैं मर जाऊंगा ऐसा सोच के डर रहे थे क्या? सर सच में मैं बहुत डर गया था। उसने सडनली आप पर इतना बड़ा अटैक कर दिया, मुझे लगा कि वो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। दर सर एक्चुअली आपके बारे में मैंने कुछ अलग ही इन्फॉर्मेशन सुनी थी, इसीलिए मैं आपको गलत समझ बैठा। वरंगल मेडिकल कॉलेज में आपने 4 मेडिकल स्टूडेंट्स का एनकाउंटर किया था, उन चारों ने उस लड़की के साथ बलात्कार करके उसे जान से मार दिया था। ये सच्चाई मुझे आज पता चली सर। आपने जिन गुंडों को मारा था दरअसल वो लोग आतंकवादी थे और वो लोग शहर के अंदर गैर कानूनी तरीके से बॉम्ब बना रहे थे। ये सारी बातें मुझे अब पता चली। मैंने ये भी सुना कि आपने 5 पॉलिटिशियंस को वार्निंग दी थी। सर अब मुझे पक्का यकीन है उन्होंने कुछ बड़ा घपला जरूर किया होगा। लेकिन सर मुझे एक डाउट है, सत्या ने ये मर्डर किया ये बात बिल्कुल क्लियर है, लेकिन फिर भी आप खामोश क्यों हैं? मुझे आपकी ये खामोशी परेशान कर रही है सर। गाड़ी चलाओ। इतनी सारी हिस्ट्री सुनाने के बाद भी साइलेंट होकर ये चले जा रहे हैं। सर हाथ दिखाओ। सर ये क्या है? 9। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये 9 है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये 6 है, और दोनों ही सच है। मगर असल सच कुछ और ही होता है। उस पजल के बारे में सोचो। पहले से ही परेशान था, इस पजल से और परेशान हो जाऊंगा। कॉल हैदर। सर आपने टाइम पर फोन किया। मेरे ऊपर फायरिंग हुई है, तुम कहाँ हो? आप कहाँ पर हैं सर? अपोजिट होटल में तुरंत जाओ, वहीं से फायरिंग हुई है। ओके सर। गो फास्ट। चैन से सोने भी नहीं देते। मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। जी सर। सर तुरंत देखो कि सत्या है या नहीं, जाओ चेक करो। अभी जाऊँ क्या सर? अर्जेंट है, जाओ। ठीक, कैसी नौकरी है, चैन से सोने भी नहीं मिलता। जी सर जाता हूँ सर। सर वो यहाँ पर नहीं है सर। जल्दी जल्दी, वो कैसे एस्केप हुआ, जल्दी चेक करो, फास्ट। सर, वो तो यहीं पर है सर। मिल गया सर। सर वो जेल में ही है सर। क्यों सेल्फी लेनी है क्या सर? बोल। सेल्फी के लिए बोला सर। क्या वो मिल गया सर? सच में? हाँ सर। मुझे उस पर शक है, तुम लोग जरा संभल के रहो। ओके सर। अब ये कहाँ लेकर आ गए मुझे? सर साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर आए हैं, आपकी अपॉइंटमेंट थी क्या? जोक्स सुनाया सर। इन या आउट बीच में लिखा, इसका मतलब क्या हुआ सर? अरे बाप रे सर, और बाप रे सर, ये तो मर जाएंगे, प्लीज हेल्प मी सर, इनको उतारिए नीचे। क्या सर, क्या प्रॉब्लम है आपको? ऐसा डिसीजन क्यों लिया आपने? डिसीजन? इधर आओ। मैंने ये सब जानबूझकर किया क्योंकि मेरे पेशेंट राजेश ने सुसाइड का अटेम्प्ट किया था। उसने ये कैसे किया होगा ये मुझे जानना था। स्टूल पर खड़े होकर कैसे रस्सी फंसाई और फिर उसे ढकेल कर अगर पेट्रोल डाल के आपको जला देता तो? जोक है क्या? हर बात को जोक ही समझता है। कॉर्नफ्लेक्स? नो थैंक्स। गुड फॉर हेल्थ? तुम्हें नहीं चाहिए? डॉक्टर आपने कॉल किया था? दरअसल बात ये है डॉक्टर, अजीब सी खुशबू आ रही है। कुछ खास नहीं है, ये कॉर्नफ्लेक्स ही है। कौन सा फ्लेवर है? बस इसमें थोड़ा सा मैंने गोमूत्र मिलाया है। गुड फॉर हेल्थ। हेलो। अरे वो तो विटामिन है, प्रोटीन है उसमें, वेस्ट मत करो। पहले ही बताना चाहिए था ना, वेस्ट कर दिया तुमने। उसे पानी समझ रहे हो क्या? अरे वो पानी ही है।
लेट्स कम टू द पॉइंट। मिस्टर प्रकाश, आपको इस बोर्ड में क्या दिखाई दे रहा है? सफेद बोर्ड में काला दाग। और आपको? काले दाग के ऊपर सफेद बोर्ड। जो नॉर्मल इंसान है वो ठीक प्रकाश के जैसा ही आंसर देता है, बट साइकिक बिहेवियर वाला जो एबनॉर्मल होता है लाइक सत्या, वो हैदर के जैसे जवाब देता है, बिकॉज इस तरह के लोग नेगेटिव सोचते हैं। तुझे बचाकर मैंने गलती की। बीपीडी, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ऐसे लोग बहुत ही सेंसिटिव होते, रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं करते, और अगर कभी ऐसा हुआ तो उनके अंदर का जानवर बाहर आ जाता है। जानवर? यस, एनिमल। वो सबके ही अंदर रहता है, मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, और इसके अंदर तो कुछ ज्यादा ही। डॉक्टर मेरे पीछे क्यों पड़ा है? लेकिन उस सत्या का जानवर बियॉन्ड कंट्रोल हो जाता है, वाइल्ड एनिमल के जैसे। फॉर एग्जाम्पल, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड तक गुस्से में हंसना, बिना मतलब के बड़बड़ाना, वाइल्ड बिहेव करना, ये कंफर्म बीपीडी ही है। चूंकि सत्या को कैथरीन छोड़कर चली गई थी, इसीलिए उसे मार दिया। नेक्स्ट टाइम कैथरीन के जैसे श्रुति से शादी करके ये लड़की भी उसके साथ कुछ ऐसा ही करेगी, यही सोचकर मार दिया। एक डॉक्टर होने के नाते उसने मेंटल इलनेस की वजह से ये सब किया, ये मुझे सर्टिफाई करना है, लेकिन इंसानियत के नाते मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो किसी भी वजह से बाहर आया तो बहुत से लोगों को जान से मार देगा। डू वॉट एवर यू कैन, बट डू इट फास्ट। क्लास पूरी हो गई, अब चलें सर। ओके। कबड्डी में हम उसका कुछ नहीं कर सके, बस एक और चांस दो, उसकी बॉडी कोई नहीं पहचानेगा, ऐसा हाल करूंगा। गुड इवनिंग सर। लेटर। क्या ये रिजाइन लेटर है? नहीं सर, रिफ्रेशमेंट लेटर है। दो दिन की छुट्टी चाहिए सर। पूरे साल इन कैदियों के साथ रहकर परेशान हो गया हूँ सर, इसीलिए अपनी बीवी के पास जाना चाहता हूँ। बहुत अजीब फील हो रहा है, मेरी बॉडी बहुत कमजोर हो गई, इसी बात पर नाराज होकर मेरी बीवी कल अपने मायके चली गई है सर। किसके साथ गई? अकेले गई है सर। अगर आपकी परमिशन हो तो एक बार मसाज सेंटर जाकर अच्छे मूड में पूरी बॉडी का फुल मसाज करवाना चाहता हूँ सर, फिर मेरी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद अच्छे से पब में जाकर लड़कियों के साथ डांस करूंगा, वहाँ डांस करने से मेरी बॉडी में करंट आ जाएगा और मेरा स्टैमिना भी बढ़ जाएगा, बस इतना ही चाहता हूँ। और अगर पब को यहीं शिफ्ट किया तो? एक नंबर आइडिया है सर, फिर तो रोज डांस करूंगा मैं। अगर आप कहेंगे तो रोज शाम को कैदियों को डांस भी सिखाऊंगा, सब खुश हो जाएंगे, सब गवर्नमेंट फंड से होगा ना सर। अच्छा आइडिया है, वन मिनट सर। हेलो मॉडल कोऑर्डिनेटर, एक काम करो, फुल सेटअप लेकर रात को 9 बजे जेल में आ जाओ। यही तेरे लिए गोल्डन चांस है, वो मरना नहीं चाहिए लेकिन लाइफ में कभी कबड्डी ना खेलने पाए। ओके सर। देखिए सर, उस साइको ने इन्हें कैसे मारा है, कोई इंसान किसी को ऐसे मारता है क्या? आप सुन रहे हैं ना सर? क्या हुआ? पूछ रहा हूं ना क्या हुआ? मार दो। ऑलरेडी दो लोगों को मार चुका हूं, उसमें से एक का सिर्फ हाथ मिला है, दूसरे का क्या हुआ अब तक पता नहीं चला, तेरा भी नहीं मिलेगा, मार दो। वो कहां है? पुलिस को क्या समझ रखा है तूने? अभी तक सही ऑफिसर से तेरा पाला नहीं पड़ा है। पुलिस क्या होती है मैं दिखाता हूँ तुझे। तुझे मार के बॉडी को सड़क में फेंक दूंगा और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जेल में हो इसलिए अभी तक बच रहे हो तुम, बाहर होता तो मार चुका होता। प्रकाश, ज्यादा हॉट लग रहे हो। मैं भी वही कह रहा था, जेल है इसलिए बच गया, अगर तू बाहर होता तो तेरी बॉडी भी नहीं मिलती। गुस्सा आ गया क्या सर? क्यों नहीं आएगा? और सिर्फ 48 घंटे ही हैं, उसके बाद मैं तुम्हें और एल्बर्ट को किसी को भी नहीं मिलूंगा मैं। आई एम अ फ्री मैन। लेकर जाओ उसे, लेकर जाओ। सर, 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 नहीं सर, नहीं सर, सर, वो जानबूझ के आपको भड़का रहा है। चलिए सर, प्लीज प्लीज चलिए यहाँ से। ऑफिसर सर, प्लीज आप सर नीचे करके तपस्या करोगे तो भी मुझे पकड़ नहीं पाओगे।
Only 48 hours. Come on, come on. Your time starts now. बनर्जी, what are you doing? कल शाम के फ्लाइट से मैं इंडिया आ रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे मत छोड़ना। अगर वो कमीना बाहर आ गया, तो अदालत पर से भरोसा उठ जाएगा। ना जाने और कितने लोगों को मारेगा वो, पता नहीं। असल में प्रकाश उसे बाहर लाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मुझे डाउट है। जगन्नाथ जी, यू डोंट वरी, दिस केस इज फिनिश्ड। अब कुछ नहीं होगा। वो बात नहीं है बनर्जी, लेकिन और ओके स्टाइल में तुम भी गुड मॉर्निंग कहने आए। अपने स्टाइल में गुड न्यूज लेकर आए हो, बताओ। कैसा गुड न्यूज सर? वही तो, जगन्नाथ जी के बेटे श्रुति के साथ साथ कैथरीन नाम के किसी और लड़की को मारा है, ये कंफर्म किए हो ना? नहीं सर, इट्स अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। कलेक्ट हुए इन्फॉर्मेशन से मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। इसमें कंफर्मेशन क्या? आई वाज देयर, मेरे सामने ही कहा था उसने, और क्या चाहिए? अल्बर्ट, मैं कंफर्म करता हूँ। प्रकाश, एंथनी सर, फाइल रेडी है ना? यस सर। हैदर सर, ये फाइल उसको दे दो। प्रकाश, आप पुलिस बनकर नहीं, एक बाप बनकर मेरी तरह सोचो। कोर्ट का दिया हुआ समय कल खत्म हो जाएगा। अगर तब तक हम उसे दोषी साबित नहीं करेंगे, तो सबूत नहीं होने की वजह से अदालत उसे बरी कर देगी। और अगर ऐसा हुआ, तो मेरी बेटी श्रुति को और कैथरीन नाम की लड़की को न्याय नहीं मिलेगा। पता नहीं बाहर आकर वो कितनी लड़कियों के साथ खेलेगा। उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है प्रकाश, उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए, तभी तभी मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। जगन्नाथ जी, कंट्रोल, कंट्रोल योरसेल्फ। मिस्टर प्रकाश, यू आर रिलीव फ्रॉम दिस केस। एंथनी विल टेक केयर ऑफ दिस, यू कैन गो नाउ। सर। एंथनी सर, इस केस में किसी भी तरह की हेल्प अल्बर्ट से ले सकते हो। उसने मर्डर किया, मैंने आपसे ऐसा कब कहा? आप ही 9 और 6 वाली पहेली मुझसे खेल रहे थे। उस पहेली में 6 नहीं, 9 ही था सर। हेलो, मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। सर हंसे क्यों? सर समझकर हंसे या बिना समझे हंसे, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। In the 19th century, it yields another narcotic to a chemist looking for a way to make opium stronger. The result? वो दिखने में एकदम शांत दिखता है सर, लेकिन वो कोई मामूली आदमी नहीं है। वो कबड्डी और क्राइम को मिक्स करके कंफ्यूज कर रहा है सर। And plague it with a new drug extracted from opium by a German named Friedrich Sauterner. The drug is morphine. उसके साथ खेलना डेंजरस है, उसे छोड़ दीजिए सर। Horrified, he warns the world of its dangers. But the genie is out of the bottle. Morphine, once called God's own medicine, is the most addictive and deadly drug in the world. Today there is a kabaddi match between police team and Satya's team. Ready? Attention! सत्य की रक्षा करना मेरे भगवान। टॉस won by पुलिस टीम। क्या है सर? MMS. हाय प्रकाश सर, आपको मुझे देखना शायद यही आखिरी बार होगा। ये MMS मैंने कैसे भेजा, ये आप सोचते होंगे। इस जेल में सब कुछ मिलता है। All in all, बोलो भाई। मुझे एक हेल्प चाहिए। हाँ बोलो। बॉस, तुमने जो फोन और सिम मांगा था वो बाथरूम के फ्लैश टैंक में है, लेकिन सारे पुलिस वालों की निगाह तुम पर है। कबड्डी 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 कबड्डी। सच बात बोलनी है सर, श्रुति को मारने में मैं बस एक मोहरा हूँ सर। मेन प्लान, ब्रेन, एग्जीक्यूशन, ये सब कुछ किसी और ने किया है सर। कबड्डी 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 कबड्डी
कबड्डी तो रुक नहीं आ जाओ सर, ये झूठ बोल रहा है सर, फिर से कोई प्लान बना रहा है। आपको ये झूठ लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। मेरी रिमांड की लास्ट डेट है, इसलिए एल्बर्ट ने मुझे मारने का ठान लिया है, आज ही और इधर ही। ड्राइवर, यू टर्न लो, ठीक है, जल्दी जेल की तरफ चलो, फास्ट फास्ट। मुझे आप पर भरोसा है सर, अगर आज मैं मर जाऊँ या बचकर भाग भी जाऊँ तो उसके बाद मुझे आपसे मिलने का मौका कभी नहीं मिलेगा, लेकिन एल्बर्ट को सजा मिलनी ही चाहिए सर। गुड बाय। कबड्डी 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 कबड्डी। मैंने पहले ही कहा था उसे, मेरी बात नहीं सुनी। ये! 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 कबड्डी खेलते समय जैसे मेरा भाई मर गया, वैसे ही इसे भी तड़पा तड़पा कर मारूंगा मैं। कबड्डी 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 कबड्डी। हे भगवान, तू जो करना चाहता था वो तूने कर लिया, छोड़ूंगा नहीं तुझे, कोर्ट में लेके जाऊंगा। डॉक्टर, ही इज नो मोर। इतने दिनों के बाद एक बार फिर से पुलिस का प्रयास बिल्कुल फेल हो चुका है। श्रुति के मर्डर केस के बहाने इस मॉनसून सीजन में एंजॉय कर रहे हैं प्रकाश वर्मा। दुश्मन को अगर गोली मारो तो वो शिकार होता है, दुश्मन की लाश को गोली मारो तो वो खेल होता है। अब आप क्यों टेंशन ले रहे हैं सर, आखिर भगवान ने उसके गुनाहों की सजा उसे दे ही दी। ये रिपोर्ट आज मॉर्निंग में आई है, श्रुति के नाम का सारा पैसा एक ट्रस्ट के नाम पे ट्रांसफर हुआ है। उस ट्रस्ट के डायरेक्टर का नाम क्या है पता है? कैथरीन।
कैथरीन अभी भी जिंदा है? 100% जिंदा है। मतलब ये सब कुछ कैथरीन ने करवाया था? नहीं, जिस दिन होटल में मेरे ऊपर फायरिंग हुई थी उस दिन मैं एक बस से टकराया था। बस में लगा हुआ था गोवा रैनर्स की टीम का पोस्टर। उस पोस्टर को देखकर मैंने स्नैप निकाला और उसी दिन केस हमारे हाथ से चला गया। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि गोवा रैनर्स की टीम में रहने वाले ग्राउंड में जाकर पीटर फ्रेंड एलेक्स से मिलने के बाद। कैथरीन कोई नहीं है सर, इस लड़की का नाम श्रुति है, हैदराबाद से ये यहाँ मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए आई है। हाय, आई एम श्रुति। श्रुति पीटर की फैन है। श्रुति की वजह से पीटर और सत्या का झगड़ा हुआ था सर, उस दिन मैं भी वहाँ पर था। श्रुति के लिए बेटिंग भी लगी थी। गोवा में सत्या श्रुति से प्यार कर बैठा था, उसके बाद शादी करके उसे मार दिया सर। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। उस दिन सीनू जो बता रहा था वो श्रुति के बारे में बोल रहा था। श्रुति पहले ही हम गौतमी की कहानी सुनकर हमें पता है ऐसा बोलकर हमने छोड़ दिया था। याद है बोट हाउस में मिले हुए हाथ के बारे में जब हमने सत्या से पूछा था, उसको पहले ही श्रुति मिली थी। कैथरीन बोलकर अलग ही कहानी बताया था हमें। व्हाट, मतलब श्रुति ही कैथरीन थी सर? छे, खटी औरत थी वो, अपने सच्चे प्रेमी को ही मरवा दिया उसने। गलत है, सत्या उसके प्यार की वजह से मारा गया सर। वो मर गया है, तुम अगर ऐसा सोच रहे हो तो तुम गलत हो। हम दोनों जिंदा है ना? मुझे भी वही डाउट हो रहा है। हाँ बिल्कुल, श्रुति और कैथरीन दोनों मैं ही हूँ। मतलब कैथरीन के प्यार की कहानी झूठी थी सर? ये सच है, सत्या से गोवा में मिलते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। मैंने डिसाइड कर लिया था कि यही मेरा सोलमेट है। वहीं पर पीटर के साथ इसका झगड़ा भी हुआ। कबड्डी मैच के दौरान पीटर का मर जाना, सत्या को पुलिस का अरेस्ट करना, वो सब तुझे नहीं पता है। अच्छा, तुमने एक कैथरीन का कैरेक्टर क्यों क्रिएट किया? तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग वाला वो हाथ किसका था? जेल में सडनली हाथ के बारे में पूछा तो हम दोनों की लव स्टोरी कैथरीन के नाम पर बदल कर बोलनी पड़ी। इससे प्रकाश का इन्वेस्टिगेशन भी डाइवर्ट होगा। क्यों सर? शेर का शिकार करने के लिए पीटर के केस के बाद श्रुति ने ही मुझे बेल दिलवाई। इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी ने उसका पैर खींचकर गोवा में दरिया में धकेल दिया था। हैदराबाद में उसका कार एक्सीडेंट हुआ था, उस पर उसे शक है, ऐसा उसने कहा था। मुझे यकीन नहीं हुआ तो कंट्रोल रूम में जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक किया। आपका शक सही है मैडम, किसी ने जानबूझकर किया है। उस पर मर्डर अटेम्प्ट हुआ है ये कंफर्म होने के बाद मैंने इंक्वायरी की। मुझे बस एक डाउट है लेकिन प्रूफ नहीं है। उसी वक्त श्रुति गांधी हॉस्पिटल में एज अ हाउस सर्जन ज्वाइन हुई। वहां पर तुम्हारी फ्रेंडशिप और हॉस्टल में ज्वाइन होना, मेरे प्लान के हिसाब से ही श्रुति के फादर से तुम्हारा इंट्रोडक्शन हुआ। सॉरी, मेरा एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं बात नहीं करता। उन्होंने तुम पर भरोसा करने के बाद ही हमारा गेम तुमसे स्टार्ट हुआ था, याद है ना? 10K रन, डेस्टिनी। कहां हो तुम? आ रहा हूं, आ रहा हूं। सब कुछ तैयार है ना? मुझे डेस्टिनी, ज्योतिष विद्या पर भरोसा नहीं है। कल मत आना। सुन, कल भी वो मुझे उसी टाइम पर मिलेगा, मुझे डर लग रहा है। अरे ऐसे कैसे मिलेगा? कल हम चार मीनार के पास मुमताज फंक्शन हॉल में मेरी फ्रेंड जुबेदा की शादी में जा रहे हैं। जुबेदा मेरी कॉलेज फ्रेंड है, मेरे अलावा वो किसी को जानती भी नहीं। फिर वो वहाँ कैसे आएगा बता मुझे। I have a plan. हेलो सत्या, मैं और गौतमी रेलवे स्टेशन आ गए हैं। 7 कंपार्टमेंट में हूँ, तुम वहीं आ जाओ। ओके बाय। कौन था? डैडी। ओके चल, चलते हैं। हाँ चलते हैं। यहाँ पर इसी वक्त हम दोनों की डेस्टिनी यही है, ये मैं मान गया हूँ। वो देख रही है ना? हाँ देख तो रही है। लव यू, बाय। तुमने जाकर श्रुति के फादर से कंप्लेंट की और उसी वक्त मैंने जाकर हमारे मीटिंग प्लेस में कैमरा फिक्स किया। उसके बाद वो खुद मुझे बुलाकर बात करने तक सब मेरा ही प्लान था। तुम लोगों को अलग कहानी का तो पता है लेकिन मुझे अंदर अलग ही कहानी का पता चला। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ सत्या। कॉलेज के दिनों में मेरा एक दोस्त था, वो बहुत ही गरीब था, साथ ही कॉलेज टॉपर भी था। उसे लक्ष्मी नाम की लड़की प्यार करती थी।
और वो एक अमीर बाप की बेटी थी। लक्ष्मी के पिताजी ने मेरे फ्रेंड को गुंडों से पिटवाया और उसे अपंग बना दिया। फिर लक्ष्मी की शादी रघुनाथ नाम के एक बड़े पैसे वाले के साथ कर दी, जिसे प्यार करता था उसे, अपने पैर को, अपनी जिंदगी को, सब कुछ खो दिया था मेरा दोस्त। वो ये सहन नहीं कर पा रहा था, हमेशा पागलों की तरह सोचता था। उसके बाद ही उसे सच्चाई का पता चला सत्या। पैसा पैसा पैसा, प्यार से पैसों की शक्ति ज्यादा है ये जानने के बाद मेरा दोस्त चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसने जो खोया था उसे पाने के लिए तय कर लिया। और फिर कुछ दिनों के बाद उसने प्लान बनाकर लक्ष्मी के पति को मार दिया। पति की मौत के बाद दुखी लक्ष्मी के पास वो एक दोस्त के रूप में मिलने लगा। लक्ष्मी भी फिर से उसके करीब होने लगी और फिर उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। लक्ष्मी और लक्ष्मी की पूरी जायदाद उसे मिल गई, ये सोचकर वो बहुत खुश रहता था। लेकिन लक्ष्मी रघुनाथ के बच्चे की माँ बनने वाली थी। हजारों करोड़ की जायदाद का वारिश रघुनाथ का बच्चा बनेगा, ऐसा उसे लगने लगा। फिर लक्ष्मी को एक बेटी पैदा हुई और ये बात मेरे फ्रेंड को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी सत्या। और जब उसने पूरी जायदाद अपने नाम पर करने को कहा तो लक्ष्मी को उस पर शक हो गया। और उसके बाद उसने एक ऐसी वसीयत बनाई कि उसकी पूरी जायदाद की मालकिन उसकी बेटी बनेगी और वो सिर्फ उसका बाप रहेगा। फिर से गरीब हो गया मेरा दोस्त। इसी गुस्से में उसने लक्ष्मी को मार दिया और पूरी जायदाद की मालकिन लक्ष्मी की बेटी का बाप बनकर सेटल हो गया। देखते ही देखते उसकी शादी की उम्र हो गई। ठीक ऐसे ही समय में लक्ष्मी की बेटी तेरे जैसे लड़के से प्यार करने लगी। एक दिन मेरे दोस्त ने उस लड़के को घर पर बुलाया और उससे पूछा कि तूने मेरी बेटी से प्यार क्यों किया। तो उस लड़के ने बताया कि सिर्फ उसकी जायदाद के लिए उसने उससे प्यार किया। उस दौलत के लिए कितने मर्डर हुए हैं ये उसे समझाकर मेरे फ्रेंड ने उसे एक बार फिर से सोचने के लिए कहा। ये कहानी नहीं है, मुझे पता है। स्ट्रेटली आप सच बताओ तो मैं अपना फैसला सुनाता हूँ। वो गरीब फ्रेंड मैं ही हूँ, रघुनाथ, लक्ष्मी, श्रुति के माता और पिता। इन दोनों को मैंने ही मारा। मैं भी आपके जैसा ही हूँ। सीधे पूछता हूँ, मेरा हिस्सा, शेयर कितना होगा? सुपर दामाद जी, जगन्नाथ जी के दिए हुए प्लान के हिसाब से। ओके, बट वन कंडीशन। श्रुति मेरी बेटी के रूप में मरेगी तो हमें जायदाद नहीं मिलेगी। तुम्हारी बीवी बनने के बाद मरेगी तो मिलेगी। लुक, मेरे गेम में तुम एक प्लेयर हो, जैसा बोलता हूं वैसा खेलो। जीत हमारी होगी। हमने गेम खेलना शुरू किया, हम पैसों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा उसे भरोसा दिलवाया। एंगेजमेंट, शादी, गोवा में हनीमून, फंड्स ट्रांसफर, श्रुति से साइन लेना, श्रुति को टॉर्चर करके मारना, सब इस तरह से किया जिससे जगन्नाथ को भरोसा हो जाए। तुमने सही कहा था, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। एक बार और ट्राई करके देखो, इस बार तो पक्का उसने स्विच ऑफ कर दिया होगा। और उसी दिन श्रुति गोवा एयरपोर्ट से मॉरिशस चली गई। पीटर के केस को जानने के बाद जगन्नाथ श्रुति मर्डर के बाद मुझे गोवा जेल में शिफ्ट करवाकर एल्बर्ट के हाथों मरवाना चाहता था। श्रुति की बॉडी मिलेगी तो ही मुझे सजा होगी, ये जानने के बाद जगन्नाथ ने एक एक्सीडेंट में मरी हुई लड़की का हाथ काट के हमारी वेडिंग रिंग को उसकी उंगली में पहनाकर एल्बर्ट से मेरे फिंगरप्रिंट्स लेकर उस हाथ में लगाकर दरिया में फेंक दिया। मगर प्रकाश के इन्वेस्टिगेशन में उसका प्लान फेल हो गया। प्रकाश को भी उसने फिनिश करने की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में वो नाकामयाब रहा। एल्बर्ट, जगन्नाथ, एक ही बार में दो चिड़ियाओं को मारने के बारे में डिसाइड किया। उन दोनों को सजा दिलवानी हो तो उन लोगों के प्लान के आधार पर ही मुझे मरना होगा। ये डिसाइड करने के बाद एसीपी प्रकाश को मैंने एमएमएस किया। तो सत्या की मौत को डॉक्टर ने कैसे कंफर्म कर दिया? जेल की जो सिचुएशन थी वो सत्या ने मुझे पहले ही बता दी थी। गोवा जेल में कोई भी इमरजेंसी होती है तो उसे पंजम हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, और उस हॉस्पिटल में मेरी एक फ्रेंड सोनी काम करती है, मैंने उससे पहले ही बात करके रखी थी। सॉरी, ही इज नो मोर। उस दिन अल्बर्ट के साथ झगड़ा करते वक्त मेरे पैर के पास मुझे एक मॉर्फिन का बोतल दिखा। क्या मॉर्फिन था? वाइल्ड एनिमल्स को वैक्सीन देते समय उसे बेहोश करने के लिए देने वाला एनेस्थीसिया। यहाँ पे वो सेव हुआ होगा। वहां मैं लास्ट स्टेज में था तो एंटीडोज का इंजेक्शन देकर मुझे डॉक्टर सोनी ने बचाया। डोंट वरी, रिलैक्स, रिलैक्स। उस एसीपी की दी हुई इंफॉर्मेशन की वजह से मैंने किसी दूसरे की बॉडी लेकर के उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अरे ये क्या हो गया मुझसे? उसकी 6 लड़कियां हैं, उनकी शादी भी मुझे करवानी होगी। तुम लोग ऐसे हंस क्यों रहे हो? किस लिए? अरे ये सब जगन्नाथ ने किया है, तो उसे छोड़ने का क्या फायदा हुआ तुझे? श्रुति के माँ बाप को कैसे मारा, हमें मारने के लिए बनाया हुआ प्लान, ये सारे डिटेल्स मैंने एसीपी प्रकाश को भेज दिए हैं।
कैन आई हैव टू मिनट्स प्लीज? मेरी सारी प्रॉपर्टी मैंने लक्ष्मी लाइफ ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट को ऑलरेडी ट्रांसफर कर दी है। जो बच्चे पैसों के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, अगर वो एक बार ट्रस्ट में फोन कर दें तो उसकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी ट्रस्ट की चेयरमैन के नाते तुम्हें ही उठानी होगी। ये मेरी माँ की इच्छा थी गौतमी। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। रियली गुड जॉब।